की, इसको संभाल के रखो। भगवान ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी रथ को सावधानी में, ठीक है जब आपकी कृपा होगी और आप घोड़ों की ओर देख लेंगे और जैसा इशारा करेंगे घोड़ों को, क्योंकि पशु पक्षी भी तो आपके वश में है। अच्छा बताओ, कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हुए हैं, जीव हुए हैं, वो सब किसके वश में है? वो भगवान के वश में है। तो ये पशु योनि में पैदा हुआ घोड़े, ये घोड़े सब पशु योनि में आपके वश में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा, क्यों नहीं चलेंगे? भगवान ने कहा अच्छा रथ को आगे बढ़ाओ। लक्ष्मण जी बोले सुमंत जी एक मिनट रथ को रोको, अभी ऐसे रथ थोड़ी चलेगा। सुमंत जी बोले फिर, भगवान ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले बात ये, सब सो रहे हैं, इनको जगा तो डकम झकम, ये जो सब सो रहे हैं क्योंकि भगवान ने सुलाया था लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचे हो भगवान, लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा एक मिनट प्रधानमंत्री सुमंत जी आप थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा सा इन सबको जगा दूं, ये सब सो रहे हैं इनको जगा दूं। भगवान राम बोले चुप कर, बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए इनको, वो तुम जगाने की बात कर रहा है, क्यों जगाना चाहता है? लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि ये सब अपना साथ दिए, साथ में चले आए और अब यहीं सोते रह जाएं तो फिर बाद में क्या होगा, क्या सोचेंगे ये सब, इसलिए इनको थोड़ा जगा लेना चाहिए, नहीं इनको बड़ा कष्ट होगा। भगवान राम ने कहा इनको जगाना नहीं है, सोने दो, तुम चुपचाप चलो मेरे साथ, अगर तुमको चलना हो चलो, नहीं इनके साथ सो जाओ तुम, नहीं 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 मैं तो आपके साथ चलूंगा, तो फिर इनको मत जगाओ। लक्ष्मण जी बोले समझ में यह नहीं आ रहा कि इनकी गलती क्या हुई, अभी तक तो साथ आई और इनकी गलती क्या हो गई, और रात भर में इनकी क्या गलती हो गई? भगवान बोले गलती क्या हुई तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा गलती क्या हो गई? लक्ष्मण जी बोले एक ही गलती समझ में आ रही कि ये सो गए, और कुछ गलती समझ में नहीं आ रही, क्यों भाई? एक ही गलती समझ में आ रही, ये सब सो गए। भगवान बोले इसलिए तो जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे, तुम जग गए इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, ये सब सो रहे हैं, इनको जगाना नहीं है, सोने दो। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में आ गया कि आपके साथ सोने में खतरा है, अब मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा ही करता हूँ, क्योंकि आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाओगे, अब मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे, अब मैं नहीं सोऊंगा 14 साल तक। ईमानदारी से बताओ क्या सोए लक्ष्मण? सोए नहीं, सोए 14 साल तक नहीं सोए। एक सज्जन बोले महाराज लंका में जब शक्ति लगी थी तब तो सोए थे, इनका सोए थे, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, कहे क्यों सो रहे हो, जबरदस्ती इंजेक्शन लग गया बेहोशी का, क्यों भाई बेहोशी का इंजेक्शन लग गया, आप सो क्यों रहे हो? अमिका वो सोना नहीं है, क्यों भाई उसे सोना नहीं कहा जाएगा, लेकिन सत्य तो ये कि 14 साल तक लक्ष्मण जी कछुक दूर सज, यही तमसा नदी के आगे का प्रमाण मिलता है कि कछुक दूर सज बाण सरासन, ओ जागन लगे बैठ बीरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। 14 साल तक लक्ष्मण जी बीरासन पर रात्रि भर बैठ के जागते थे, बोलो बीरासन पर बैठे रहते थे रात भर, जागते थे कि नहीं जागते थे? सीता राम जी सोते थे लेकिन लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के रात्रि भर जागते थे, वीरासन पर बैठे 14 साल तक लगातार जागे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भरत चरित्र अयोध्या वासियों की दृष्टि में भरत का चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है, हम लोगों की दृष्टि में भी भरत का चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अयोध्या वासी सो गए थे, भगवान राम उन्हें सोता हुआ छोड़ के चले गए थे,
लेकिन भरत जी महाराज ने उन सभी अयोध्या वासियों को जगाया और राम से मिलाया है। ईमानदारी से बताओ, भरत के गुण गाएंगे कि नहीं गाएंगे? किसने जगाया अयोध्या वासियों को, बोलो भाई? भरत ने जगाया है। और अपने साथ ले जाकर के राम से किसने मिलाया है? भरत ने मिलाया है। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भरत चरित्र साधारण नहीं है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इस चरित्र का वर्णन तो महीनों किया जा सकता है, और महीनों की अगर क्षमता है तो वर्षों किया जा सकता है वर्णन, क्योंकि समुद्र है ना, भावों का समुद्र है, और भावों का समुद्र, समुद्र की का कोई मापदंड नहीं है, तो भाव के समुद्र का भी कोई मापदंड नहीं कितना गहरा है। वो तो बात यह कि जितना गहराई में पहुंच सको उतना पहुंच जाओ, क्षमता के अनुसार है। चलिए, लेकिन रहा एक दिन अवध अधारा, छिबरा मऊती कथा श्रोताओं के लिए एक ही दिन शेष रहा कि नहीं रहा? क्यों भाई, रहा ना? चलो एक दिन शेष तो रहा है, कल का शेष दिन है, उसे बनवा दिया आपने, बेटे को अलग कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूं संकीर्णता है, कोई परिस्थिति है, अलग बात है, लेकिन कम से कम हृदय के अंदर दीवार खड़ी तो मत करो। मकान की दीवार ढहाई जा सकती है, लेकिन हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी हो जाएगी तो केवल मरघट पे ढहाई जा सकती है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केवल स्मशान पर ही वो दीवार ढहाई जा सकती है, इसके पहले कोई चांस नहीं है। कोई अदालत नहीं ढहा पा रही है साहब, अदालत में निर्णय पड़े हुए हैं, भाइयों भाइयों के पारिवारिक समस्याओं के 20-20-30 साल हो गए, बोलो आज तक समय से कोई अदालत निर्णय दे पाई? एक अदालत, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से क्रम चलता रहता है, उनकी संतानें आज भी चक्कर काटती फिर रही हैं, लेकिन समय से कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है। इसलिए मैं कहता हूं रामचरितमानस से बड़ा संविधान देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। घर घर में ये संविधान होना चाहिए और इस संविधान पर चलना चाहिए। कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं रह सकती हैं, न कोई अदालत में समस्या पहुंच सकती है। अगर रामचरितमानस के अनुसार हम निर्णय लेने लगे अपने परिवार का, इससे बड़ी आचार्य संहिता क्या हो सकती है? बोलो भाई, ये आचार्य संहिता है, इससे बड़ी आचार्य संहिता क्या हो सकती है? तो आइए सुनिए। कौशल्या जी से कहा भरत जी ने, मां मैं मजबूर हूं, आज मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा मैं समझ रहा हूं, राज्य जो है परिवार के लोगों से नहीं चलता है, मंत्रिमंडल के सहयोग से चलता है, इसलिए मंत्री लोग मौन बैठे हैं, मंत्री अगर समर्थन करेंगे तभी तो राज्य चलेगा। मंत्रियों अपना विचार दो, क्या तुम सब भरत का समर्थन करोगे? मंत्रियों ने भी कह दिया कीजिए गुरु आयुष्य अवश्य, कहे सचिव कर जोर, सचिव मानी मंत्री, कीजिए गुरु आयुष्य अवश्य, कहे सचिव कर जोर। बस इतना मंत्रियों ने कहा और कह के चुप नहीं रहे प्यारे। इस दोहे के अंतिम चरण में मंत्रियों ने समस्या पैदा कर दी, दोहे के अंतिम चरण में मंत्रियों ने समस्या पैदा कर दी। वशिष्ठ जी कह रहे थे सौंपिए राज राम के आए, और मंत्री कह रहे हैं रघुपति आए उचित जस तब तस करो बहोर, रघुपति आए उचित जस तब तस। बोलो अंतर है कि नहीं? मंत्रियों ने कहा कि राम जी जब आ जाए 14 साल बाद तो एकदम सौंपा सौंपी नहीं करना भरत। फिर बोले बैठ करके एक बैठक होगी, और उस बैठक में 14 साल के कार्यकाल पर विचार किया जाएगा उचित अनुचित का, कि उचित क्या हुआ भरत के राज्य में, अनुचित क्या हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा मान लो उचित ही उचित हुआ तो? मंत्री लोग बोले तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। क्यों भैया, क्या जरूरत है?
जब उचित ही उचित हो रहा है, अनुचित स्थिति में ना जनता नेतृत्व परिवर्तन करती कि उचित में परिवर्तन, उचित में तो परिवर्तन नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, जब देश में अच्छा ही अच्छा हो तो परिवर्तन करोगे, जल्दी बोलो। अरे भाई, ऐसी कंडीशन में थोड़ी परिवर्तन किया जाता है। जब उचित ही उचित है तो फिर तो यथा स्थिति रहनी चाहिए। क्यों भाई, वर्तमान का नेतृत्व तो अगर अच्छा है तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं रामचरितमानस की कथा कहता हूँ और ये अयोध्या की बात है, इसलिए मैं अयोध्या से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। तो अब समझने वाले कुछ भी समझे, मैं क्या करूँ इसके लिए। तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच है, तुम क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं तो अपने स्तर से अपनी बात कह रहा हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करना जरा। रघुपति आए उचित जस, मंत्रियों ने कहा कि उचित अनुचित पर विचार किया जाएगा कि 14 साल का कार्यकाल भरत का कैसा रहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि महात्मा है, कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा। तो मंत्रियों ने कहा जब बहुत अच्छा रहेगा तो फिर नेतृत्व परिवर्तन की क्या जरूरत। वशिष्ठ जी ने कहा फिर राम आ जाएंगे तो राम का क्या होगा, राम का क्या होगा। मंत्रियों ने कहा कि राम का ये होगा कि जब विकास इतना अच्छा भरत के शासन काल में हुआ और 14 साल आप बाहर रहे और 14 साल में कई गुना विकास हो गया, तो हम मंत्री लोग कहेंगे कि हमें विकास चाहिए, आप अब 28 साल को चले जाओ बनवा, तो और ज्यादा विकास हो जाएगा अयोध्या का। रघुपति आए उचित जस तब तस करम, बहो रघुपति आए उचित जस तब तस करम, बहो। याद रखना प्यारे, भरत जी ने कहा हमें मंत्रियों की बात भी स्वीकार नहीं है। तो आखिर भरत तुम क्या चाहते हो ये बताओ। भरत जी ने कहा गुरु जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मुझे आपकी चिंता है, ना मुझे अयोध्या की चिंता है, ना मुझे सिंहासन की चिंता है, ना मुझे खजाने की चिंता है, चिंता मुझे आपकी है। मेरी क्या चिंता है, क्या चिंता ये है कि मेरे नाम का समर्थन आप कर रहे हो और प्रस्ताव भी रख रहे हैं, प्रस्ताव भी रख रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं, तो आप प्रस्तावक भी बन रहे हैं और आदेशित भी कर रहे हैं आप, और बार बार कह भी रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको मानो, अयोध्या को बचाना है। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मेरे नाम का प्रस्ताव हो चाहे समर्थन चाहे अनुमोदन, जिसने भी किया उसे घाटा ही घाटा मिला, फायदा ना। कैसे? वशिष्ठ जी बोले कैसे, भरत जी बोले ऐसे, सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा था सिंहासन पर बैठने वाला, आप ही बताओ। का तुम्हारी माता केकई ने, का देख लो किस दशा में बैठी हुई, देख लीजिए आप, सफेद धोती पहने हैं, सिंदूर हट गया, और पिताजी ने समर्थन किया मोरे तो राम भरत दोई, आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। देखो नाव में तेल भरा और तैर रहे हैं पिताजी, तो भाई पिताजी तैर रहे कि नहीं तैर रहे, बोलो यही दशा है कि नहीं, देख लीजिए पिताजी को, ये पिताजी की दशा। और मेरे भैया, क्योंकि राय राजपद तुम का दीना, पिता बचन फुल चाहिए पीना। वशिष्ठ जी यही कह रहे थे ना कि मरने के पहले महाराज दशरथ यही कह के गए थे कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना। राय राजपद तुम का दीना, पिता बचन फुल चाहिए पीना, पिताजी की बात माननी चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पिताजी कह रहे हैं, कह के चले गए, तुम्हारे माता जी भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, मंत्री भी कह रहे हैं, मानना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि राह आप ही कह रहे हैं, राय राज पर तुम का दीना, पिता वचन खुद चाहिए कि ना, पिताजी रहे नहीं, चले गए ना सुरधाम। कह हाँ चले गए, मेरे कारण ही तो गए हैं, मेरा समर्थन ना किए होते तो नहीं जाती। और आप कह रहे हो तीसरी बात यह कि तुम्हारे प्रिय भैया राम भी जब अयोध्या छोड़ के गए तो ये कह गए भरत प्राण प्रिय पावही, राजू भरत आ जाए प्राणों से ज्यादा प्रिय है उसे राजा बना देना। तो भैया भी रुक नहीं पाए 14 साल के लिए, बन चले गए। भैया कहाँ रुक पाए, मेरे लिए कहे और कह के तुरंत ही चले गए कि नहीं, रुक कहाँ पाए।
अगर मेरे नाम की चर्चा नहीं करते तो शायद इंतजार करते मेरा, लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया और राज सिंहासन के लिए समर्थन किया तो चले गए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊ कि नहीं। अब गुरुजी चौथे नंबर पे आप, आपका क्या होगा, हमें चिंता इस बात की सता रही। मोही राज हट अरे दई हो जब ही तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि आप जबरदस्ती मुझे राजा बनाएंगे तो ये अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। राज्य किस पर होगा, अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है भरत, क्या इसमें सत्यता है, रसातल में ये अयोध्या जाएगी अगर तुम सिंहासन पर बैठोगे। अरे जब दसमुख अन्यायी अत्याचारी अनाचारी दसमुख राज्य कर रहा है, रावण राज्य कर रहा है, तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। फिर दूषण राजा बना बैठा है, ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई, लेकिन तुम्हारे जैसा संत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत जी बोले मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मोह राज हट दई हो जब ही तो रसा रसा तल जई है तवही। बस इसी बोले स्पष्टीकरण दो कि कैसे रसातल में जाएगी। भरत जी बोले 6:15 बज गए, कल देंगे स्पष्टीकरण, आज नहीं देंगे क्योंकि 6:15 बज गए हैं, अब कम से कम तो जल्दी पकड़ो, इसलिए कल स्पष्टीकरण होगा। आए आए 6:15 बज चुके हैं, हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। और देखो भाई अभी सब बैठे रहना, अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद में आरती होगी। और हमारे चंदन जी बहुत अच्छे संचालक भी हैं और रामकथा वाचक भी हैं और मेरे प्रिय हैं। रात्रि में इनका भोजन था, इनकी माता जी ने चंदन का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोले आज से मैं आपको सौंप रहा हूँ चंदन। मैंने कहा चलो भाई, मैंने भी बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये बालक बताएगा कि आगे क्या। और हमारे प्रदीप रामायण ये भी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, और एक प्रकार से जैसे शिष्य का समर्पण गुरु के चरण में होता है वैसे समर्पण इनका भी है। और आप सब तो प्रेमी श्रोता हैं ही, आपके बीच में कथा कह करके मुझे आनंद मिलता है, संतों की सभा संतों की उपस्थिति में भी विशेष आनंद मिलता ही है। तो मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। और प्रेम गिरी को, जिनको आप पूर्व भाषा में प्रेम नारायण के नाम से जानते, प्रेम गिरी ये बिल्कुल भोले वाले हैं, सेवा अपने हाथों से स्वयं करते हैं। झाड़ू मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद झाड़ू लगाना। एक गऊ माँ अस्वस्थ थी, मैं घूमने जाता था, वो पड़ी हुई थी, निश्चित है कि वो आज तो उनका शरीर रहता ही नहीं, शरीर शांत हो जाता, लेकिन कुछ समय तक तो मैंने संभाला। फिर मैं लौट के आया, मैंने आदेश दिया, आप स्वयं गए, आपने इस लोगों को भेजा, गऊ माँ आई। आज वो गऊ माँ खड़ी होकर चल फिर रही थी, घास चल रही थी, गऊ माता के प्राण बच गए, सेवा ने बचा लिया। जिन लोगों ने सहयोग दिया गौ माता को यहाँ लाने के लिए, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं प्यारे। और जिन्होंने सेवा करके उपचार इलाज करके स्वस्थ कर दिया है, वो स्वस्थ करने वालों में उपचार करने वालों में महंत प्रेमगिरी हैं, इसलिए प्रेमगिरी को मेरा विशेष आशीर्वाद है और सेवा करते ही हैं। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं विशेष सहयोग में रहते हैं राम कुमार जिनको तूफानी बाबा है, तूफानी हाँ उनका काम ही तूफानी काम है, इसलिए उन्होंने भी मेरी उपस्थिति में काफ़ी सेवाएं दी हैं, तो उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो नित्य मंदिर के श्रृंगार में, गंगेश्वर नाथ भगवान के श्रृंगार में अपनी नित्य उपस्थिति देते हैं, जो श्रृंगार करते हैं गंगेश्वर नाथ भगवान का, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। और नित्य जो दर्शन कर, आयोजक तो गंगेश्वर नाथ जी हैं, लेकिन जिन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं जिनके हाथ में गंगेश्वर नाथ भगवान ने, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे शिष्यों में से आपके भक्त हैं, इसलिए आप सब व्यवस्थापक हैं इस राम कथा के, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। आए अब दो बार भगवान का नाम ले लें, और नाम लेने और आप सब गंगेश्वर नाथ जी के उत्थान में अहर्निश चिंतन रत रहे और सहभागी और सहयोग देने के लिए संकल्पित रहें।
और प्रेमगिरी का उत्साह वर्धन करें। प्रेमगिरी का उत्साह वर्धन करते हुए मंदिर की प्रगति और मंदिर का विकास करें, ये मेरा कहना है आप सबके लिए। कल की कथा रहा एक दिन अवध अधारा, केवल एक दिन शेष है, इसलिए आप सब एक दिन को सहभागियों को लाएं, आए दो बार कीर्तन करें, इसके बाद आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। का स्मरण हो आया, महावीर जी भी सेवा में लगे हुए हैं, आपके अतिराजपुर के ही हैं और बहुत ही प्रेमी हैं और विशेष सेवा में लगे हैं, वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद। आप लोग एक बार यह कहेंगे हमारे साथ दोहराएंगे, हम कहेंगे गौ माता की तो आप कहेंगे रक्षा हो, ठीक है ना? गौ हत्या बंद हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद, गौ हत्या बंद, गौ माता की जय, गंगेश्वर नाथ भगवान की जय, गंगेश्वर नाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। राम का अधिकार लेने का साहस दुस्साहस हो वो है महाभारत। महाराज श्री बताए कैकेयी मैया ने जीवन भर अपयश सह करके